वंस अगेन हाँ अपने देश में आ गए. गुड इवनिंग यू ऑल वंस अगेन. लेट्स गो ऑन विद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का 6. क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 ओके. राजकुमार लिमिटेड हैड परचेस्ड सम मशीन्स फॉर रुपीज 82,000 ऑन 1/4/12. परचेज किया सम मशीन्स मतलब दो चार मशीन एक साथ में खरीदी होंगी 82,000 में. द इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ दिस मशीन वॉज रुपीज 8,000. तो 82,000 हम बैंक लिखेंगे राइट. 82,000 बैंक लिखेंगे और 8,000 कैश. क्लियर एवरीवन. ऑन 1/10/14 लगभग 1.5 साल के बाद कंपनी परचेस्ड अनदर मशीन और एक मशीन खरीदा 70,000 बैंक गिनेंगे और उसका एक्सपेंस 2,000 कैश गिनेंगे. कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन 10% एवरी ईयर अंडर SLN. 30% ऑफ मशीन फ्रॉम फर्स्ट परचेज वेर सोल्ड फॉर 20% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू ऑन 31/3/15. लास्ट डेट को जो पहले खरीदी गई थी ना वो मशीन का 30% मशीन बुक वैल्यू के 20% प्रॉफिट में उन्होंने सेल कर दिया. क्लियर. अटलू ख्याल आइयो बधाने करिए वर्किंग स्टार्ट करिए ओके. वर्किंग्स क्वेश्चन 5 का 6 ओके. मशीन 1 चलो बैंक और कैश कितना लिखेंगे वो जरा देख लो पहले. तो मशीन 1 में बैंक कितना लिखेंगे. मशीन 1 में बैंक लिखेंगे 82 कैश 8. क्लियर. 82,000 8,000 इसमें 70,000 और 2,000. चलो डन. एटले कॉस्ट मड़ी जैसे आपने कॉस्ट मड़ी जैसे 90,000 72,000. अब इसमें ना 30% एंड 70% कर देने का भाई. 30% एंड 70% 27,000 63,000. क्लियर. क्यों किया ऐसा 30% 20% क्यों किया मालूम है. क्योंकि जो पहले मशीन खरीदी गई थी ना उसका 30% हमें सेल करना है. जो देखा है 30% मशीन फ्रॉम द फर्स्ट परचेज वेर सोल्ड. क्लियर. એટલે પહેલા થી જ આપણે 30% કરી દઈએ. પહેલા થી શું કરીએ એનું 30% ઓકે ડન. ख्याल आई गयो बता ने ख्याल आई गयो. बोलो कोई डाउट है तो बोलो. अभी सुधी अब डेप्रिसिएशन कितने परसेंटेज है. 10% ना डेप्रिसिएशन 10% ओके. तो एनुअल डेप्रिसिएशन 2700 6300 एंड 7200. क्लियर. एनुअल डेप्रिसिएशन. अब जो दूसरा वर्किंग करते थे मशीन 1 में 30% 70% एंड मशीन 2 परचेज सेल. चलो परचेज कौन से डेट को किया. मशीन 1 परचेज कौन से डेट को किया. बोलो चलो जल्दी. मशीन 1 परचेज कौन से डेट को किया. मशीन 1 परचेस कौन से डेट को किया. 1/4/12 दोनों में ही 1/4/12. क्लियर. मशीन 2 कौन से डेट को परचेस किया. मशीन 2 कौन से डेट को परचेस किया. मशीन 2 1/10/14 राइट. 1/10/14
वो 30% मशीन सेल कौन से डेट को किया? 30% मशीन सेल कौन से डेट को किया हमने? 30% मशीन सेल कौन से डेट को किया? 31/3/15। इतना ख्याल आ गया सबको? देखो 3 साल है, 2012-13 उस साल में परचेज है, 2013-14 उस साल ना परचेज है ना सेल है, एंड 2014-15 उस साल में परचेज भी है और सेल भी है। क्लियर? आटलू ख्याल आई क्यों? चलो बोलो जल्दी। ये ख्याल आ गया सबको, 2012-13 उस ईयर में परचेज है, 13-14 उस साल ना परचेज है ना सेल है। क्लियर? एंड 14-15 परचेज भी है और सेल भी है। डन? क्लियर? चलो आगे लिखें, आगे लिखें। 1/4/12 वो जो वर्किंग अपन करते हैं वो वाली याद है ना? लिखें 1/4/12 ये दिवस है परचेस, बराबर आमा लखवाना 27,000 और आनी अंदर 63,000 आमा डैश। આ યરમાં બીજું કંઈ નથી, ડાયરેક્ટ 31/3/13 એ દિવસે ડેપ્રિસિએશન આખા વર્ષનું જ આવશે, 2700 6300। ઓકે, એ ફર્સ્ટ યર ફિનિશ હુઆ આપના, ફર્સ્ટ યર માઇનસ કરો કિતના આ રહા હૈ બોલો, 24,300 एंड 56,700 चेक कर लेना, राइट है 56,700 थई जाए डन बोलो, आटलू थई जाए डन बोलो। तो ये हो गया 1/4/13 का बैलेंस। अब सेकेंड ईयर में कोई परचेस सेल है? सेकेंड ईयर में कोई परचेस सेल है, यस और नो? कोई परचेज सेल नहीं, तो सीधे लास्ट डेट को क्या आएगा? सीधे डेप्रिसिएशन, 2700 6300 सेम रहेगा ना डेप्रिसिएशन, SLM है सेम रहेगा। ट्वेंटी वन सिक्स हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड इतना हो जाए, अगेन डन बोलो। सेकेंड ईयर फिनिश हुआ, अब कौन सी डेट आएगी? अब कौन सी डेट आएगी 1/4/14 के बाद कौन सी डेट आएगी? कौन सी डेट आएगी? देखो लिखा सर ने, सूचे आ डेट पर फरी, सूचे आ डेट पर परचेस छे, सेकेंड मशीन कितना में परचेस करियो? 72,000। क्लियर? अगेन 31/3/15 उस दिन डेप्रिसिएशन लास्ट डेट ही है, तो हर एक पे डेप्रिसिएशन आएगा, हर एक मशीन पे। पूरे साल यूज किया इसको तो 2700, इसको भी पूरे साल यूज किया 6300। आने आम तो आखा वर्ष नो डेप्रिसिएशन 7200, पन कितना मंथ यूज करियो आपने? खाली 6 मंथ, 6 महीने यूज किया ना, कितना आएगा? 110 से 31/3 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना आएगा भाई? पूरे साल का तो 7200 है, कितना आएगा? 3600, राइट? माइनस करो, माइनस करो उसको, तो ये बचेगा 68,400, ये बचेगा
44,100 और ये वाला 18,900। ओके, ये वाला सेल किया। कैसे सेल किया, प्रॉफिट से या लॉस से? ये सेल नहीं किया, ये वाला नहीं किया सेल, ये वाला भी सेल नहीं किया। ओके, એટલે આપણો આન્સર આવશે, આ બેનો ટોટલ આન્સર આવશે 1,12,500 આન્સર આવેગા। ક્લિયર? યે આન્સર આવેગા બેલેન્સ। યે 30% સેલ ક્યા, કેસે સેલ ક્યા, પ્રોફિટ યા લોસ સે? 18,900 10% સેલ ક્યા, કેસે સેલ ક્યા? 20% પ્રોફિટ। कैसे सेल किया? 20% करो, 18,900 का 20%। करो 3780, राइट? तो कितने में सेल किया होगा वो बैंक कहलाएगा। कितने में सेल किया होगा, करो कितलू आवे छे, 22,680। थई जाए डन, बोलो એટલે આન્સર સ્ટાર્ટ કરીશું આપણે। આના ઉપરથી આપણે આખો આન્સર લખવાનો છે। આ થર્ડ એક બાર 5-7 મિનિટ આરામ સે દે દેને કા ઇતને મે। એવરીવન સે ડન તો આન્સર સ્ટાર્ટ કરેંગે। एक बार 5 मिनिट आना माटे आपी देशो ने, आंसर में कोई भूल नहीं पड़े। ओके, अदास रेडी? चलो बच्चों तैयार? बीजा रिप्लाय केम नथी आपता? थई गयो वर्किंग तो बोलो। चलो आंसर स्टार्ट करते हैं, आंसर स्टार्ट करते हैं। पूछा क्या है, पूछा क्या है इसके अंदर, पूछा क्या है? फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड इफेक्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईच ईयर, हर साल का, मतलब 3 P&L 3 बैलेंस शीट। ओके, स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए। डेबिट साइड 1,4,12 दो बार लिखेंगे, 1,4,12 टू बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितना था बैंक, कितना था बोलो, चलो बैंक कितना था, कितलू हतु बैंक, बोलो बोलो बोलो। 80,000 था ना, 82,000। और कैश कितना था, कैश कितना था, 8,000। कैश कितना था, 8,000। और कुछ नहीं इस साल तो लास्ट डेट पे सीधे सीधे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 9,000, राइट? बस तो क्लोज करी दे इसको, फर्स्ट ईयर फिनिश क्लोज करी दो, फर्स्ट ईयर फिनिश क्लोज करी दो। माइनस करिए, 81,000 आउसे। सो के वास या 81,000 बाय बैलेंस कैरी। Yes.
इतना हो गया डन बोलो, फर्स्ट ईयर फिनिश सेकंड ईयर पे जाएंगे। इतना हो गया डन बोलो, फर्स्ट ईयर फिनिश सेकंड ईयर पे जाएंगे। वन फोर थर्टीन सेकंड ईयर टू बैलेंस ड्रॉ डाउन वही 81,000। सेकेंड ईयर में कुछ परचेस सेल नहीं है, डायरेक्ट लास्ट डेट पे डेप्रिसिएशन 31,314 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेकेंड ईयर में भी कितना आएगा डेप्रिसिएशन, जितना फर्स्ट ईयर में था उतना ही। कितना आएगा सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन, कितना आएगा 9,000, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी ना कोई परचेज है ना सेल है। सेकेंड ईयर फिनिश हो गया, क्लोज कर दें 81,000, एज 81,000 क्रेडिट में रखिए, माइनस करो सो द बैलेंस इज 72,000। बाय बैलेंस कैरी डाउन, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर 1,414 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। थर्ड ईयर में ध्यान से लिखना है थोड़ा, क्योंकि थर्ड ईयर में थोड़ी ज्यादा खिचड़ी पकी हुई है। कौन सा डेट आएगा अब, कौन सा डेट आएगा थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में कौन सा डेट आएगा बोलो, वर्किंग देख के जरा कौन सा डेट आएगा थर्ड ईयर में। 1,414 तो लख ही दी, तो बैलेंस लख ही दी, तो पची पाची 1,014 उस दिन परचेज है, तो दो बार लिखेंगे वो डेट, दो बार लिखेंगे, दो बार 1,014 चलो वहां पे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट। कितलू जे मशीन टू मां, चलो बोलो मैंने कितलू जे बैंक अकाउंट, यस वेरी गुड 70,000 2,000। अबे क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड थर्ड ईयर मां लास्ट डेट अच्छे सीधू 31,315 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। दोनों मशीन है इसलिए थोड़ा जगह छोड़ के M1 M2 करके लिखेंगे। M1 कितना था, M1 में 9,000 पूरे साल यूज किया है, पूरे साल यूज किया है इसलिए 9,000। और M2 पे, M2 को 6 महीने यूज किया हमने इसलिए M2 के ऊपर आधे साल का गिना था हमने 3,600। सो दिस विल बी 12,600। आज डेट ऊपर सेल करियो छे, आज डेट ऊपर सेल करी हुई तो शू लखा है क्रेडिट साइड भाई, सेल करो तो शू लखा है, शू लखा है सेल करो तो, शू लखा है बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। कितने में सेल किया है, कितने में सेल किया, 22,680। कितने में सेल किया है, 22,680 ना 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 112,500 तो बेटा फाइनल आंसर आउसे आपरो। कितना मजो बैंक सामने शू लख्यू छे धनराज,
बैंक सामने शू लख्यू छे बेटा? ओके 22680 प्रॉफिट था या लॉस था? प्रॉफिट था या लॉस था? प्रॉफिट हतो के लॉस हतो? प्रॉफिट तो डेबिट साइड ना, प्रॉफिट है तो डेबिट साइड, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखना है प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट था, कितना प्रॉफिट था? 3780। कितना? 3780। टोटल करो, चलो टोटल करो, चेक करना, वही क्रेडिट साइड लिखो 147780, माइनस करो, ये कितना आएगा देखो, बोलो मुझे, माइनस करके बोलो, ये आना चाहिए धनराज, वो अमाउंट जो आपने लिखा था कितना आना चाहिए, ये आप लो अमाउंट आप जो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये 31315 बाय बैलेंस कैरी डाउन, अने आज खाली नेक्स्ट डे डेबिट साइड लखी ने ने छोड़ी देवानू 1415 हो गए 3 साल, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,12,500, सो दिस इज फिनिश्ड, थई जाए तो डन बोलो, पछी आपणे फिनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट आपीए, हर साल के फिनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट पूछा है तो सेपरेट बनेगा ना, 3 P&L 3 balance sheet, क्लियर? थई जाए तो बधा डन बोलो एक साथ है जरा, जो आजे रेकॉर्डिंग चालू छे दिखाय छे बधाने, आजे रेकॉर्डिंग चालू छे, चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना, चलो फर्स्ट ईयर के P&L में लिखो, फर्स्ट ईयर के P&L में, फर्स्ट ईयर के कितना है डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर के P&L में लिखो 9000, सीधे 9000 ही लिखने का, फिनिश P&L में, बैलेंस शीट में, फर्स्ट ईयर के बैलेंस शीट में भाई 90000 की मशीन थी, 90000 की मशीन थी, क्लियर? माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन 9000, सो आउटर कॉलम 81000, फर्स्ट ईयर फिनिश, फर्स्ट ईयर फिनिश, थई जाए डन बोलो એટલે સેકન્ડ ઈયર પર જઈશ, फर्स्ट ईयर फिनिश થઈ જાય તો બોલો એટલે સેકન્ડ ઈયર પર જઈશું આપણે, सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना था बोलो, सेकेंड ईयर में कितना था डेप्रिसिएशन बोलो, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं पूरा, 9000 तो लिख दो, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट सेकेंड ईयर में 9000,
और सेकेंड ईयर में बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे वो समझो, सेकेंड ईयर में बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे। इनर कॉलम 81,000 था, जो पिछले साल आउटर में था ना इस साल इनर में, माइनस 9,000 वापिस डेप्रिसिएशन, तो आउटर कॉलम में सेकेंड ईयर में 72,000 हो जाए, डन बोलो सेकेंड ईयर, तो थर्ड ईयर पे पहुंचेंगे। सेकेंड ईयर था ही जाए तो डन बोलो, थर्ड ईयर पर जाए इसमें। थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना था टोटल बोलो, थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन टोटल कितना था, थर्ड ईयर में कितना था डेप्रिसिएशन M1 M2 दोनों का टोटल थर्ड ईयर में कितना था, 12,600 राइट, 12,600। चलो थर्ड ईयर में यहां कैसे लिखेंगे, पिछले साल आउटर में था वो इनर कॉलम में 72,000 प्लस परचेस करेंगे, परचेस कितने का किया था, प्लस परचेस कितने का परचेस किया था, 72,000 का राइट। तो ये हो गया 1,44,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना था, डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर में टोटल डेप्रिसिएशन 12,600 माइनस डेप्रिसिएशन 12,600, परचेस को प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, करो माइनस कितना आ रहा है बोलो, कितना आ रहा है बोलो, 1,31,400। फिर सेल किया उसको क्या करेंगे, सेल किया उसको क्या करेंगे, माइनस सोल्ड आउट, सेल किया उसको क्या करेंगे माइनस, क्लियर भाई, कितने का सेल किया डायरेक्ट बुक वैल्यू माइनस करने की, कितने का सेल किया बुक वैल्यू माइनस करना, सेल किया उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, कितनी थी सेल किया उसकी बुक वैल्यू 18,900, कितना 18,900 बुक वैल्यू माइनस करना है सोल्ड की, क्लियर, तो माइनस 18,900 कितना आ रहा है बोलो, 1,12,500। अगर प्रॉफिट से सेल किया था या लॉस से, प्रॉफिट से सेल किया था या लॉस से, प्रॉफिट से सेल किया था तो प्रॉफिट हो तो P&L में क्रेडिट, लॉस हो तो डेबिट, क्लियर, प्रॉफिट था ना तो लिखें बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, कितना प्रॉफिट था हाउ मच वॉज द प्रॉफिट, कितलो हतो प्रॉफिट, प्रॉफिट हो तो P&L मा क्रेडिट अने लॉस हो तो डेबिट, कितना प्रॉफिट था बोलो, 37 डन थई गयो। आ थर्ड ईयर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन, कोई डाउट बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो, ओके आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, देखें क्वेश्चन नंबर 7। शर्मा लिमिटेड हैज परचेस्ड मशीन 67,000 ऑन 1/4/12, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ दिस मशीन 3,000,
Depreciation is to be provided 10% every year under reducing balance method. A certain amount of depreciation past general entries and prepare machine account and depreciation account for first 3 years. So the accounting effect in annual accounts of first 2 years. कितनी चीजें पूछी हैं? कितनी चीजें पूछी हैं? मशीन अकाउंट 3 साल का, पहले तो जनरल एंट्रीज, पास जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर मशीन अकाउंट, एप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट 3 ईयर, 3 साल की जनरल एंट्री कितनी आएंगी? जनरल एंट्रीज कितनी आउसे बोलो, कितनी जनरल एंट्रीज आउसे, कितनी आउसे बोलो बोलो बोलो, कितनी एंट्रीज आउसे? पहले साल की तीन, फिर दो, 7, बिल्कुल राइट बेटा, 7 जनरल एंट्री आएंगी, बराबर, बने हुए कॉलम्स, सबके कॉलम्स बने हुए, तो एक काम करिए, 7 हमना नहीं करता, 7 में शू बनानो जो ख्याल आएगी, एक पेज जनरल एंट्री 7 में लिख लो कॉलम्स, 1 पेज जनरल एंट्री, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए लिख लो, सर के भी कॉलम्स नहीं बने हुए इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा चला जाएगा, खाली लिख लो कॉलम्स क्या बनाने हैं भाई 7 में, क्लियर? आंसर 7 में क्या बनाना है, 1 पेज जनरल्स, ओके, 20 लाइंस मशीन अकाउंट, 20 लाइंस बहुत है या 15 रख दो तो 50 है, 15 लाइंस, राइट, 15 लाइंस, 9 लाइंस डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओके, फिर पी एंड एल बैलेंस शीट, कौन कौन से साल का, 2 साल, पहले 2 साल का पूछा है तो 12, 13, 14 का, क्लियर एवरीवन, 2 साल का P&L और 2 साल का बैलेंस शीट, ओके, ख्याल आ गया, बन जाएगी इतनी चीजें, से यस नो फास्ट, 2 वर्ष नो P&L आने ख्याल आएगी, આ 5 લાઇન્સ માં જેમ આપણે બનાવીએ છીએ એમ સેમ જેમ આપણે બનાવીએ છીએ એમ સેમ એઝ વી પ્રિપેર, ઓકે, રિપ્લાય તો કરો કમ સે કમ, અકેલી વંશિકા ઓર ધનરાજી રિપ્લાય કરતે રહેંગે, આ ગ્રુંગ હૈ નહીં, સિર્ફ યહી દો જણે રિપ્લાય કરતે રહેંગે, હે ના, સાહિર કભી કભી બીચ બીચ મેં રિપ્લાય કર દેતે હો આપ, तो बीजा रिप्लाई करो बेटा, नो लखो तो बीजा जरा बोलो, ख्याल आई जो आटलो 7 में, ओके, 8 नंबर हम अभी कर देते हैं, 8 नंबर, मशीन अकाउंट शोस बैलेंस रुपीज 60,000 इन द बुक्स ऑफ बेटुल एंड कंपनी ऑन 1/4/14, कंपनी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 10% एवरी ईयर अंडर आरबीएम, आरबीएम से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते, दिस मशीन वॉज सोल्ड एट 25 आरबीएम में, तो बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कितना, 6 महीने में ये मशीन को बेच दिया, सिर्फ 6 महीने के अंदर, क्लियर, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन पास नेसेसरी जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर मशीन अकाउंट ऑफ द बुक इन द बुक्स ऑफ कंपनी, बराबर, चलो जल्दी एनो वर्किंग जोई लइए, बे वर्किंग जोई लइए, एक ज मशीन छे खाली, अने ए भी सेल करी नाख्यो एटले मशीन अकाउंट क्लोज ज थई जशे, क्लियर, आंसर 5 का 8, 1/4/14 बैलेंस है, कितना बैलेंस है 1/4/14 को, कितना है बैलेंस, 60,000, कब सेल किया, तो 1/10/14 को सेल किया तो पहले क्या गिनना है उस पर डेप्रिसिएशन, तो 60,000 का 10% आरबीएम में डायरेक्ट 60,000 पर 6 मंथ का ही आएगा क्योंकि 6 महीने यूज किया, राइट, कितलो आउसे बोलो जरा, काउंट करीने बोलो, हम तो 10%, वेरी गुड धनराज, अदर्स गॉट दिस, वैसे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन होता 6,000 पर 6 महीने ही हमने यूज किया,
तो सेल किया उस दिन बुक वैल्यू थी 57,000, ये जिस दिन सेल किया उस दिन की बुक वैल्यू आ गई। कितने में सेल किया भाई? 25% लॉस, लॉस है माइनस करेंगे, माइनस लॉस करो 25% करो, कितना था ये भाई 57,000 ना 25% 14,250 माइनस कर दो, कितने में सेल किया होगा, कितने में सेल किया होगा वो लिखेंगे बैंक। ओके, दो एंट्री आएगी, दो डेप्रिसिएशन साथ में ही लिख देंगे इसलिए दो एंट्री आएगी। तो जल्दी से 10 एक लाइन में जनरल्स का कॉलम और एक 5 लाइन का मशीनरी अकाउंट बना दो। चलो जल्दी 10 लाइन जनरल्स के कॉलम और 5 लाइन मशीनरी अकाउंट जल्दी ड्राफ्ट कर दो। થઈ જાય ડન બોલો એટલે સ્ટાર્ટ કરીશું, હું બી કોલમ્સ બનાવી દઉં ત્યાં સુધી। જનરલ્સ ઓફ બેતુલ એન્ડ કંપની લિમિટેડ, डेप्रिसिएशन साथ में लिखना है कि फिर अलग अलग लिखना है, बोलो। दो तरह से सर ने सिखाया था, याद है ना, याद है ना, दो तरह से सिखाया था, साथे लखो छे डेप्रिसिएशन के, अलग अलग लखो छे, साथे लखो छे के अलग अलग। अलग अलग तो तीन एंट्री हो जाएंगी, अलग अलग लिखोगे तो तीन एंट्री हो जाएंगी। ओके, डन रेडी। स्टार्ट करें, रेडी एवरीवन। अदर्स, दूसरे बच्चे मेरे रेडी हैं? चलो फर्स्ट एंट्री 1-10-14 की फर्स्ट एंट्री क्या आएगा भाई? पहले तो 3,000 रुपए डेप्रिसिएशन, उसकी एंट्री 1-10-14 को, अपन अलग अलग लिख रहे हैं तो 1-10-14 को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट लिखो एंट्री। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 3,000, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 3,000 टू
2, machinery account 3000, depreciation account debit 3000, 2, machinery account 3000, being depreciation charged under RBM. और आगे लिखना हो तो थोड़ा सा, एट द रेट ऑफ 10% पी डॉट ए डॉट, दैट मीन्स पर एनम. थई गयो आटलू बधानू, बोलो डन. अब ये मशीन को कैसे सेल किया, प्रॉफिट से सेल किया या लॉस से, प्रॉफिट से सेल किया या लॉस से, लॉस से सेल किया. तो सेकेंड एंट्री लिखें, बैंक अकाउंट डेबिट 42,750. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 14,250. टू मशीनरी अकाउंट. नरेशन, बिंग मशीनरी सोल्ड आउट एट 25% लॉस ऑफ बुक वैल्यू. क्लियर? सो द अमाउंट्स विल बी 42,750, 14,250 in credit column, dash 50, kitlu hatu 57,000. अब लास्ट डेट कब होगी इस साल की, लास्ट डेट कब होगी, ए दिवसे डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज थे, लास्ट डेट क्या रहे हसे, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज थे क्या रहे हसे, लास्ट डेट क्या रहे हसे, बोलो. 31/3/15 उस दिन डेप्रिसिएशन क्लोज करने की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3000, કેમ કે ક્લોઝિંગ એન્ટ્રી લાસ્ટ ડેટ પર જ આવે. ટુ ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ 3000 બીંગ ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ક્લોઝ, બીંગ ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ક્લોઝ. ડન હો ગયા ઇતના તો બોલું, આટલું થઈ ગયું હોય ડન બોલો, એટલે મશીનરી અકાઉન્ટ જોઈ લઈએ આપણે ફટાફટ. તો મશીનરી અકાઉન્ટ પે આ જાય, લેજર્સ ઓફ બેતુલ એન્ડ કંપની લિમિટેડ, Ledgers of Betul & Company Limited. लिखो 1/4/14 कितना बैलेंस था, बोलो कितना बैलेंस था 1/4/14, आप लोग भी लिखवाओगे इस बार कितलो बैलेंस है, तो 1/4/14 हाउ मच वॉज द बैलेंस, 60,000 राइट. लास्ट डेट क्रेडिट साइड, लास्ट डेट नहीं, कौन से डेट को डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, सेल किया उस दिन 1/10/14, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,000 रुपए सेल किया उसी दिन, क्या लिखेंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे, और क्या लिखेंगे इसी डेट को, और क्या लिखेंगे, और क्या लिखेंगे,
वेरी गुड वेरी गुड, बाय बैंक अकाउंट। और क्या